तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट वेडियो है, इसमें हम सारे मंगोस मंगो डीबी हमारा डेटाबेस है, और ये हमारा मंगोज है जो मिडलवेयर है मंगोज और नोड जेस का, और ये सारे कोड्स मैं सारे दे दूंगा, कोड का कोई भी परेशानी नहीं होगा। अभी से बस ये समझ लेके किस कोड कहाँ पर लगाना है, और ये बॉडी पार्सर का मकान तरीका है, किस तरह बॉडी पार्सर हम इंस्टॉल कर लेंगे, और इसके कुछ मिडलवेयर भी हैं और ये मिडलवेयर हमें लिखने हैं, इसके बगैर ये चलता नहीं है, ये है कोड। और इसी तरह हम और एक्सप्रेस इसी तरह हम लिखेंगे, और ये इस तरह हम सारे कोर्स इसी तरह दे देंगे, सेम टू सेम करने हैं, ठीक है। ये रहे सारे कोर्स, आपको भी इसी तरह करना है, और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए हैं वो है मंगोस। मंगोस का इंस्टॉलेशन भी सेम इसी तरह बॉडी पर इंस्टॉल किया है, और अभी हम मंगोल कंट्रोल करेंगे, डेस्कटॉप से भी लिख लेता है, ये सेव में आ गया, आप लोगों को काम आए। और एक्सप्रेस को कनेक्ट करने का तरीका ये रहे, ये लाइन लिखने हैं, ठीक है। और इधर इधर डेटाबेस का नाम बैकअप टेस्ट की जगह, ठीक है, जो भी नाम आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। ये मॉडल का तरीका, लेकिन मॉडल हम इस तरह नहीं लिखेंगे, लेकिन हम अपनी तरह मॉडल लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मॉडल इनिशियलाइज करेंगे, इस तरह कॉन्स मंगोस रिक्वायर मंगोस ने रिक्वायर किया नोड जेएस में, ठीक है। और सबसे पहले हमें मॉडल का एक फोल्डर बनाना है और फाइल बनाना है, जिस नाम का भी चाहो, लेकिन हमने इधर स्टूडेंट डॉट जेएस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और एक स्कीमा को मुकम्मल ये कोड दे दिए हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और इसी तरह हमें ये मंगोज रिकॉर्ड करने हैं इसमें जेस फोल्डर में मॉडल, ठीक है। और अपने ये दो डेटा में दिए नेम और बैच, सेम इसी तरह आपको करना है, ठीक है। हमने मंगोस का एक स्कीमा बनाया है, ठीक है। और हमने दो ये फील्ड दिए हैं, तो नेम और बैच, ठीक है। इसी तरह करना है टाइप स्ट्रिंग इक्वल ट्रू, हमने टाइम स्टैम्प दिए हैं, ठीक है। इसमें एक अपडेट और क्रिएटेड का दो अलग फील्ड दे देते हैं, ठीक है, अपडेट और क्रिएट के लिए। और टाइप फॉर स्ट्रिंग सेम इसी तरह करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का और एक स्कीमा बनाएंगे, ठीक इसी तरह। और ये रहे हमारा एक स्कीमा, ये रहा स्टूडेंट। एक बात आपको यह बताता चलूँ कि जब भी आप मंगोस में सिंगल जब भी हम सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्लियर कर लेगा। फर्ज करें कि हमने स्टूडेंट लिखा, ये इसको एक एस बढ़ा के दे देगा, स्टूडेंट्स करेगा, ठीक है। उसको सिंगुलर को ये खुद ब खुद क्लियर करेगा, आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो हमने मंगो डीबी का एक डेटाबेस इधर लिखा हुआ है, हमने स्टूडेंट किया, लेकिन उधर स्टूडेंट्स था, एक एस बढ़ाया उसने, ठीक है। आपको भी सेम इसी तरह करना है, ठीक है। सिंपलेट्स मीन क्या, आपको अक्सर सिंगुलर फॉर्म में लिखो, वो सिंगुलर खुद बहुत कर लेगा, ठीक है। और दूसरे इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक स्कीमा दे देना चाहिए, ठीक है।
स्कीमा हमारा कौन सा है, वो अलग स्टंट है, स्नेक स्कीमा, ठीक है। और ये हमारा अब ये हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे किस तरह, इसी तरह मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ठीक है, इसको इधर एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें जब हम किसी को एक्सपोर्ट करेंगे तो प्योर ड्राइवर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अलग फाइल में इसको जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे फाइल में इसको इंपोर्ट करेंगे कीस इन माइंड, ओके। और ये सारे जो कोर्स हैं सिर्फ यही स्टूडेंट में सेव हैं, ठीक है। अभी हम इसको करेंगे इंपोर्ट, अभी हम इंपोर्ट इधर करें, ठीक है। ये देखो, ये देखो कौन सी स्टूडेंट रिक्वायर डॉट डॉट का मकसद के एक फोल्डर बाहर निकलेंगे, सब इधर से निकल जाएंगे इधर मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट फाइल में, ठीक है। और अभी हमने रिक्वायर करने के बाद ये बेसिक्स कनेक्टिविटी करने के कोर्स हैं, ठीक है, ये बात में ध्यान में रखें, ठीक है। और सैम्पल लाइन में कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन नीचे के कोर्स ये जो हैं उनको कनेक्टेड ये सिंपली बता देंगे कि आपको कनेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अभी सिर्फ समझने की कोशिश करें, ये सारे कोर्स मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। अभी तक समझने की कोशिश करें कि कौन सा कोड कहाँ पर रखा हुआ है, किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। बॉडी कोर्सर हो गया, ठीक है। अभी हम चलाएंगे अपना एप्लीकेशन कुछ इस तरह, और नोडमोन आपको शायद पता होगा, नहीं है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये हमने रन कर दिया अपना नोडमोन ऐप। ये देखो, ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमने पहले भी कहा था कि ये अगर मंगोडी भी कनेक्टेड ना हुआ तो कोई एरर होगा, अगर कनेक्शन ना हो तो किस तरह करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, ठीक है, उधर हम मैन्युअली भी इसको कनेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो किस तरह तो देखें। ये रहा CMD आपका, अगर कोई मंगोडी कनेक्टेड जगह कोई एरर आ गया तो आपको CMD में जाकर कुछ इस तरह लिखना है, ठीक है, नेट स्टार्ट MongoDB, ठीक है। अभी ये देखा रहे कि हमारा MongoDB स्टार्ट है, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो ये इधर आपको दिखाएगा कि MongoDB हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है, कुछ सेम टू सेम इस तरह प्रोसेस आपको फॉलो करने, ठीक। अभी हम चेक करेंगे अपना एप्लीकेशन लोकल 3000 पोर्ट के ऊपर, देख ये रहा हमारा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, नए क्राउड्स बना लिया है, अभी तो ये डमी डेटा है, जस्ट क्रिएट कर लेंगे। देखो सैंपल सा टेबल हमने बना लिया अपने उस स्कीमा में, आपको याद होगा, ठीक है, ये कुछ कॉलम्स हैं जो मैंने बताया भी था नेम और बैच के, ठीक है, ये कुछ सैंपल डेटा टेबल्स हैं, फॉर्मेट हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगे, ठीक है, टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन SB एडमिन में ये सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। मैं आपको रेफर करता हूँ कि ये बेहतरीन टेम्पलेट है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। अभी हम जाएंगे डिसिडेंट्स में, जिस तरह को याद था हमने दो फील्ड बनाए थे नेम और बैच के, ठीक है, सपोज हम आपकी डेटा डमी डेटा डालेंगे ये नाम एमर और सेवंस बैच सेवन, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे, ये रहा क्रिएट हो गया, ये रिडायरेक्ट हो गया डायरेक्ट इंसिडेंट वाले टेबल में, ठीक है, ये आपको याद होगा पहले ये स्टूडेंट स्लैश क्रिएट वाले राउट्स में, और जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स राउट्स में चला जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें।
ये देखें ये डेटा आ गए। ठीक है, अगर अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि टाइम स्टैम्प प्रो एक्स्ट्रा फील्ड देगा क्यूरेटेड और अपडेट के लिए। ओके, और जेरा अपडेट क्रिएट करने वाला पीजीएस, ये कुछ पीजीएस वगैरह हैं ये आपको बाद में बता दूंगा। अभी मैंने जल्दी जल्दी में कुछ रिपोर्ट्स लिए हैं, बाद में आपको रिपोर्ट बताऊँ कि स्क्रिप्ट क्या होता है, ईजीएस क्या होता है, शायद आपको नॉलेज हो इनका, लेकिन मैं खुद से ही बता देता हूँ बाद में, इसको स्पेशल वीडियो के ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ जाए कि ईजीएस एक्सप्रेस ये होते क्या है, नॉर्थ जेएस और मुंगोडेरी के लिए। ठीक है, अभी से बस इतना समझ लें कि ये नॉर्थ जेएस में ये जो एचटीएमएल फाइल सारे होते हैं ये ईजीएस होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही समझ लें, अगर नॉर्थ जेएस में एचटीएमएल फाइल नहीं चलेगा उसकी जगह ईजीएस एक्सटेंशन के साथ डॉट ईजीएस, ये हमारे सारे एचटीएमएल फाइल होते हैं नॉर्थ जेएस में, ईजीएस एचटीएमएल होते हैं। इसे कितना समझ लें, ये रहा हमारा क्रिएटेड वाला कोड में, ये देखो ये हमारा समय तो फॉर्म ऑफ एक्शन स्टूडेंट डॉट स्लैश क्रिएट, तो जब क्रिएट करने का राउट हमारे ये हैं, ये हमने नेम लिया। ठीक है, और बैच लिया ये कुछ सेम इसी तरह आपको लिखने हैं, सेम टू सेम ये कोड सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसे बस समझ लें कि किस तरह ये मैं लिख रहा हूँ, किस तरह ये कोड होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये लिखे जाते हैं। ठीक है, और बाद में लास्ट में हमने ये बटन बनाया टाइप सबमिट नेम दे दिए क्रिएट। ओके, अब ये राउट हम दिखाते हैं आपको, तो ये मेन फोल्डर है, हमेशा बाद में ध्यान में रखें कि ये एक डॉक्टर मेन फाइल है, जो भी करना है हमें इसी में करना है। ठीक है, ये रहा इसका राउट स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। ठीक है, ये ऊपर गेट राउट में गेट राउट भी हैं। ठीक है, ये गेट और पोस्ट का, ये गेट राउट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्म रेंडर करता है, मतलब जब हम क्रिएट करते हैं रेंडर करता है, मतलब यही चलाता है। ठीक है, और दूसरा पोस्ट है, पोस्ट मतलब है जब भी हम कोई डेटा डाल के प्रेस कर लेंगे ये डायरेक्ट राउट पोस्ट राउट पर आ जाएगा, मतलब ये रिडायरेक्ट हो जाएगा पोस्ट आउट राउट पे। ठीक है, इसका इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी से बस इतना समझ लें, बाद में आपको डिटेल में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, खुद से भी समझने की कोशिश करें। देखें जितने कोड मैं कर लेता हूँ उससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म में सर्च कर सकते हैं, तो इसी तरह आपको ये सारे कोर्स करने हैं। ठीक है, और इसी तरह ये हमारी कीमत है। ठीक है, कुछ टाइम टू टाइम इसी तरह आपको कोर्स करने हैं। ठीक है, ये हमने स्टूडेंट को स्कीमा, ठीक है, हम एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्योंकि न्यू स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के पास एस कैपिटल, मतलब एक न्यू मॉडल बना रहे हैं, अपने पुराने मॉडल्स हैं, न्यू मॉडल्स बना रहे हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट उनके क्या हैं, एक नेम रिक्वायरी है दूसरे बैच का। ठीक है, दिखाते हैं आपको, ये रहा है आपको नेम और पेज, ये दोनों इसका रिक्वायरमेंट है। सेम इसी तरह हमने ये भी इसी तरह करना है। ठीक है, फिर नेम और कॉलन रेक्ट बॉडी डॉट नेम, सेम इसी तरह हमने फील्ड का नेम। ठीक है, और बॉडी बॉडी पार्सर वाले जो हमने पहले किए थे, और ये जो लास्ट में नेम नेम सेम इसी तरह नेम है। ठीक है, नेम का ये रहा आपका नेम। ठीक है, नेम का नेम से रिलेटेड नेम ई जी फाइल से ले रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह बेच के भी यही है। ठीक है, फिर
सेम टू सेम बैच का भी यही मसला है, यही प्रोसीजर है, सेम टू सेम एक दूसरा अलग फार्मूला नहीं है इसके लिए, होगा भी शायद लेकिन अभी तो अभी सही है। ठीक है, इसके बाद किसी वेरिएबल का नाम डॉट सेव, इससे होगा क्या, ये दोनों फील्ड्स है नेम लेकर मॉडल से शिफ्ट कर देगा और उधर से डेटा सेव होगा, और जब ये इधर सेव होगा तो उधर टेबल टेबल में इंसर्ट होंगे। ठीक है, और एक क्यूरी चलाएंगे, ये डॉट देन और डॉट कैच, शायद आपको नॉलेज होगा पहले ये ट्राई कैच का, ट्राई कैच के नाम से मशहूर थे और ट्राई कैच भी ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अभी डॉट देन और डॉट कैच ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसका जो प्रॉमिस फंक्शंस सिमिलर कोड हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस रिलेटेड हूँ, तो कोई चीज़ सक्सेस हो गया तो आपका जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये इसी तरह सेम टू सेम फंक्शन है डॉट देन और डॉट के, इसी तरह काम करते हैं। आपको प्रॉमिस फंक्शन का शायद नॉलेज हो, और नहीं तो आप गूगल पर सर्च करते हैं। ठीक है, अभी एरो फंक्शन बनाया है अनोनिमस फंक्शन के लिए। ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन का नाम नहीं है तो हम अनोनिमस फंक्शन बना लेंगे एरो फंक्शन के जरिए। ठीक है, और ये हमने एक वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है, और कर ली जैसे स्टार्ट कर ली हमने एरो फंक्शन के बाद डॉटर डॉट, और ये स्टार्ट रिडायरेक्ट का माने हैं कि जब भी कोई चीज़ परफॉर्म हो तो वो रिडायरेक्ट, मतलब वो पेज रिडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, जो राउट्स हैं स्टूडेंट्स उधर पे जाना चाहिए। ठीक है, जब भी हमारा डेटा सेव हो जाए तो ये उसी राउट्स पे जाएँ, ये राउट्स नीचे जो हैं डॉट गेट से लेके स्टूडेंट, जब भी ये सक्सेस हो जाए तो ये सेंड हो जाए, रिडायरेक्ट हो जाए इस स्टूडेंट्स राउट पे। ठीक है, ये डॉट कैच मेथड क्या करता है, ठीक है, जब भी कोई एरर आ जाए, जब भी एरर आ जाए तो ये कंसोल पे ये एरर शो होगा कंसोल पे। ठीक है, अगर कोई एरर मसला हो तो आपको कंसोल पे दिखाएगा। ठीक है, इसी तरह अभी हम हम गेट ऑल स्टूडेंट राउट कर देंगे। ठीक है, ये रहा स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट्स टेबल में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी डेटा हैं, सारे हैं यहाँ पर दिखा दें, शो कर दें इधर। ठीक है, इधर सारी डेटा शो करा, देखो मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा फील्ड देने का भी डेटा शो कर रहा है, आई डी का भी शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम एक और स्टूडेंट करेंगे, करें हेलो और सेवन दिए जो ओके, हमने ये दूसरा डेटा डाल दिया अपने टेबल में। ठीक है, ये देख लें, हमने इंसर्ट किए हैं। अभी इस डेटा में ऑलरेडी एक सर्चिंग फीचर भी है। ठीक है, ये अर्च ये कोई वे पे सर्च कर लेता है। ठीक है, ये कोई भी वे पर सर्च कर लेगा। ठीक है, कोई भी पेज टाइम वगैरह कुछ भी सर्च करना है तो कोई भी वेज पे ये सर्च कर लेगा। ठीक है, ये वेज स्क्रीन टेम्पलेट आप ये
यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएं कि बैकएंड में किस तरह काम करेगा। ये देख लें, प्रोजेक्ट फाइल में ये जो सारे इंसिडेंट मैसेज इंसिडेंट पॉइंट ये टोटल हम सारे इंसिडेंट्स गेट कर रहे हैं और डेटा फील्ड सेव उधर कर रहे हैं। ठीक है, ये कोड ये रहे हैं आपके। ठीक है, और ये इंसिडेंट पॉइंट इंसिडेंट कौन सा, ये रहा इंसिडेंट। ठीक है, और सेम इसी तरह आपको करना है, कोई मसला नहीं है, अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, ये रहे सारे कोड सेम टू सेम आपको करने हैं, तो कोई मसला नहीं होगा, बस तो अच्छी तरह से कोड लिख लें। ठीक है, ये हमारा फाइल, और ये इंसिडेंट डॉट फाइंड कोड पहले भी हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, मुझे उसके बहुत सारे अलग अलग क्यूरीज होते हैं, आप अलग से गूगल सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे क्यूरीज हैं, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। 30,000 अलग मंगो क्यूरीज। ओके, ये रहे सारे मंगो से रिलेटेड, जो भी आप मंगोस के ऑफिशियल साइट पे जाकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये हमारे मॉडल का नाम स्टूडेंट था, इसका नाम है माई मॉडल डिफाइंड, मतलब ये मॉडल से ये डेटा गेट किसे दे रहा है। ठीक है, सेम करना है, स्टूडेंट डॉट फाइंड करना है, और टेन डॉट देन और कैच, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, ये भी लिखना है। ठीक है, कोई सक्सेस हो जाए तो क्या करना है, तो एरर या कोई फेलियर होगा तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसी तरह करना है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि प्रेस डॉट रेंडर, मकसद सक्सेस के बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, एक अलग हमारा गेट वाला एक फेज है, मकसद रेंडर के बाद जो भी फेज हैं वो अक्सर पेज को रेंडर करता है, रेंडर करता है। ठीक है, ये फाइल ये है गिटार का, फिर हमने ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स नाम के, एक वेरिएबल बनाया एक हिसाब से, और कोरियन ये रिजल्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये रिजल्ट इक्वलेंट है ये स्टूडेंट वाले रिजल्ट के। ठीक है, ये स्टूडेंट को हम अपने AGS फाइल में यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा फेच का फंक्शन है। ठीक है, अभी हम अपना गेट ऑल वाले AGS फाइल में देखते हैं कि इस फ्रंट वाले वेरिएबल किस तरह इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ओके, फिर हमारे AGS गेट ऑल AGS फाइल, ये देखें कि गेट हमने किस तरह गेट किए हैं। ठीक है, ये देखो एक टेबल बनाया हमने, HTML का कुछ कोड दें। ठीक है, पहले बताए कि और जिसमें EGS HTML जैसा सेम सेम करता है, सिर्फ एक्सप्रेशन EGS लिखना है। ठीक है, और ये रहा कुछ एक फॉरिश स्टूडेंट का एक फॉरिश लूप हमने बनाया, इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो भी डेटा है हमारे लेंथ में मालूम नहीं तो हम फॉरिच यूज़ करेंगे, तो फिर अगर हमें लेंथ मालूम नहीं तो ये फॉरिच के ज़रिए खुद बताएगा कि कितने डेटा हमारे पास हैं। ठीक है, हमें लेंथ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, फॉरिच मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट को जो स्कीम हमने बनाया सारे स्टूडेंट को स्टूडेंट में पुश कर देगा। ठीक है,
ये कोर्स में सारे आपको दे दूंगा, इसको कोई परेशानी नहीं है, पहले समझ तो लें कि ये किस तरह हो रहा है। आपको बस समझ लें कोर्स, ठीक है, किस जगह पर क्या कुछ करना है, ठीक है। हमने एक एरो क्वेश्चन बनाया, ठीक है, और नॉर्वेज का प्रिंटिंग कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, बाद में ध्यान में रख लें। और स्टूडेंट्स को कुछ मैन वेरिएबल हैं, ठीक है, और स्टूडेंट में हम आईडीज का गेट कर रहे हैं, नेम गेट कर रहे हैं, बैच गेट कर रहे हैं, क्रिएटेड और अपडेट डेट हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो क्रिया में डेटा दे गया उसको फेच करके पुश कर देगा हमारे टेबल में, ठीक है। ये टीयर से पहले टीयर शुरू और टीयर के बाद का फोरिच ख़त्म, ठीक है। फिर से तो टीयर से पहले हमारा फोरिच स्टार्ट, टीयर बाद में फोरिच एंड, ठीक है। ये सारे कोर्स, ये सारे तरीके और दो ज़्यादा फील्ड हमने बनाए हैं, एक डिलीट बटन, दूसरा अपडेट, ठीक है। ये स्पेशली बटन तो है नहीं, लेकिन बटन किस स्टाइल दे दिए, ठीक है, बूटस्ट्रैप के जरिए। ओके, वैसे ये लेंथ हैं, ठीक है, और हमने कुछ रिफ दे दिए और एक राउट दे दिए, ठीक है। और राउट्स अलग अलग दे दिए, जिस तरह स्नैप फ्लैश अपडेट और स्नैप फ्लैश फ्लिप, इसी तरह ग्लिटर अपडेट का काम कर रहे हैं ये दोनों, ठीक है। पहले स्नैप का आईडी, दूसरा आईडी तो खैर सेम है, लेकिन राउट हमारे अलग हैं, ठीक है। हम देखेंगे सिंपली, ठीक है, इसमें हमने पर क्लिक करेंगे, ये नीचे पिछली लाइन में देख लेते हैं, डेट आईडी अलग अलग हैं, ठीक है। विंडोज अगर आइकन के ऊपर ये ब्लैक लेवल पे दिखा रहे हैं आईडी देखा, आईडी अलग अलग हैं, देखें ये अलग इंसिडेंट है, ये अलग इंसिडेंट है, लेकिन अपडेट और डिलीट का आईडी बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस ये डिलीट के राउट्स पर जा रहे हैं और वो अपडेट के राउट पर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंसिडेंट का डेटा का आईडी ये जो बिल्कुल भी अलग अलग हैं, ठीक है। अभी हम डिलीट अपडेट वाले हम देखेंगे, देखेंगे ये काम किस तरह कर रहे हैं डिलीट और अपडेट, ठीक है। हम देखेंगे देखेंगे डिलीट वाले अपने मेन फाइल में गेट कर रहे हैं स्टूडेंट स्लैश डिलीट आईडी। अभी हमें जब मालूम नहीं है आईडी तो हम क्या करेंगे, अगर पीएचपी में ये नाम यूज होता है वो होता है गेट, ठीक है, क्योंकि और डिलीट ये देखें गेट में लिंक के थ्रू पास होता है, ठीक है। ये देखो लिंक आपको दिखा देता हूँ, इधर ये एक आईडी दे रहा है, इधर हमने ये कोड कर सकते, ये एक आईडी देना है, अभी ये हमें आईडी बेस पे हमें ये गेट करना है, ठीक है। अभी आईडी गेट करने के लिए सेम इसी तरह अपने कॉलन आईडी तो आईडी बेस पे ये गेट करने हैं। अभी ये जो पैरामीटर होते हैं इस पर एक नाम देना होता है, अभी इसमें हमने दे दिया है आईडी, ठीक है, सिंपल सेम राउट पे। अभी हमने एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट हमारा मॉडल का नाम है, ये डिलीट वन, ये
मंगोस का क्यूरीज हैं, मंगोस का ये पेज पे अगर जाओ तो क्यूरीज पे देखें, ये देखो मंगोस क्यूरी में डिलीट वन पे ये क्यूरीज हैं। हमें डिलीट वन में चाहिए क्या, एक फील्ड का एक नेम चाहिए, उस फील्ड को मैच करेंगे, ठीक है। इसने दिया है कि एक नेम और नेम को मैच कर रहा है, अगर मैच होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम आईडी गेट कर रहे हैं स्टूडेंट, पांच बाई आईडी, सॉरी ये रहा, ये रहा, ये डिलीट वाला, डिलीट वन। अभी हम डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम मैच कर रहे हैं अपने एंड्रॉयड आईडी वाले, इसको मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये मैच हो जाएगा तो फिर वो डिलीट होगा, ठीक है। ये हमने रन कर दें, ठीक है। मकसद ये आईडी वाले कॉलम में मैच कर लें, ठीक है। ये इसी तरह ये पेरेंट्स पैरामीटर, ये इस पैरामीटर में हमें आईडी चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। इस तरह हमने इसी तरह इधर आपको दे दिया कि ये रहा आईडी, ये आईडी हमने लिंक बेस करके आईडी ये रहा, मतलब इसी आईडी पे या बेस पर ये बेस पेच करके हमें वो आईडी को डेटा है वो डिलीट कर देगा, ठीक है। अभी क्या करेगा कि स्टूडेंट वाले कलेक्शन में जाएगा और मैच करेगा, और मैच हो जाएगा, जब ये मैच हो जाएगा तो ये डेटा डिलीट कर लेगा, ठीक है। सेम इसी तरह इसका भी एक देन और कैच का मेथड है, ठीक है। जब सक्सेस होगा ये आपको ज़रूर लिखना है, मतलब सक्सेस होगा तो क्या होगा, अगर फेलियर या एरर आ जाएगा तो क्या करना होगा। अभी इधर हमने दे दिया कि रिडायरेक्ट हो जाए, मतलब जब एक डिलीट हो जाएगा तो हम सेम स्टूडेंट रॉड पे जाएं। अभी हम देखेंगे कि ये सेम इसी तरह काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये हम प्रेस कर लेंगे डिलीट, या ये देखें हमें डिलीट करने के बाद इसी तरह इसी राउट में आ जाएगा, ठीक है। ये वो ठीक है। अभी हम जाएंगे अपडेट को एनालाइज करेंगे, अपडेट वाला सेम है, ये लिंक मैं आपको कॉपी पे दिखा देता हूँ। तो ये रहा, अभी पहले जो डिलीट वाले राउट पे जा रहा था, अभी ये इंस्टेंट स्लैश अपडेट वाले राउट पे जा रहा है, लेकिन आईडी सेम आईडी पे ये जा रहा है, बस फर्क ना कि ये राउट्स चेंज है, अलग राउट्स पे जा रहा है, ठीक है। और सेम सी प्रोसीजर, हर सारे सिमिलर हैं, ठीक है, इसी तरह कर रहे हैं, ठीक है। अभी पहले हम डिलीट वन मतलब डेटा डिलीट कर रहे हैं, अभी हम इंसिडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी मतलब आईडी के बेस पर हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब जो आईडी मैच होगा उसी आईडी मैच होगा और उसी आईडी को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रेस डॉट रेंडर, मकसद यही इंसिडेंट मैच होगा तो इसी का डेटा फेच करके हमें वो अपडेट करने का मौका मिल सकता है, ताकि वो हम अपडेट कर सकें, ठीक है। सेम इसी तरह वो जो डेटा डेन और कैच का वो जो सक्सेस के बाद, सेम उसी तरह जो मैंने कहा था कि कैच का प्रोसीजर है सेम टू सेम है, सक्सेस हो जाएगा तो काम पर जाएंगे, ठीक है। ये देखें कि हमारा ये इंस्टेंट अपडेट का एक ईजी फाइल है, तो समझ लें कि ये हमारा HTML फाइल है अपडेट का, ठीक है। ये रहा हमारा इंस्टेंट अपडेट वाला JS फाइल, ये देखें चेंजेस क्या हमने किए हैं, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए। चेंजेस हमने क्या किया, हमने एक एडन टाइप एडन टाइप एडन ये फील्ड हमने डाल दिए हैं, ताकि हमें के बेस पर फाइंड कर सकें अपने स्टूडेंट को, ठीक है। ये देख लें, नहीं ये हमें डेटा डाल दिए हैं, रीज
सेवंथ, ठीक है, और यानी दूसरा बेटा नॉबेज। जैसे कि अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमने, ठीक है, पर ये देखो ये हमने नाम गलत दे दिए हैं। जब हम अपडेट क्लिक कर लेंगे यही सेम स्टूडेंट का डेटा पेच करके इधर नया पेज खुल गया अपडेट फ्रंट पेज के नाम से, ठीक है, उधर उसका डेटा प्रिंट हो गया ताकि हमें अपडेट करने का मौका मिल जाए। ये रहा एक नया पेज है हमारा, दूसरा पेज है, ठीक है। अगर ये हमें अपडेट कर दिए डाना डालें तो हम किस बेस किस नेम पे हम अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह टाइप एडन के हिसाब से आईडी के हिसाब से डेटा पेश करके अपडेट कर सकते हैं। ये रहा है, ठीक है, ये इसमें आईडी के बेस पर हम पेश करें, ठीक है, लेकिन ये शो नहीं होगा पेज में हमारा, लेकिन हम इसी बेस पे आईडी गेट करें, ठीक है। अभी हम सेम उसी तरह उसका नेम गेट कर रहे हैं, बैच गेट कर रहे हैं, आईडी और इसको हम क्रिएट की जगह अपडेट लिख लेंगे, ठीक है, सेव हो गया। और इसका भी एक एक्शन होता है, मकसद के इसके सक्सेस होने के बाद एक राउट्स पे जाएगा, ठीक है, इसका भी एक्शन है। अभी जाएंगे कि ये क्या काम कर रहा है, ठीक है, ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, कोई परेशान नहीं है, आप पहले समझ लें, ठीक है। हमारा मेन फाइल ये देखें अभी अपडेट पे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी इस पे हम कर क्या रहे हैं, आईडी गेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, अब गेट कर रहे हैं आईडी, मतलब कॉन्स्ट आईडी एक वेरिएबल ले रहे हैं आईडी के नाम से, और एक डॉट बॉडी डॉट आईडी, आईडी कौन सा आईडी, ये वाला, मतलब एडन टाइप के आईडी गेट कर रहे हैं। अभी हम एक और क्यूरी से मंगू उसका फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये एक नया क्यूरी है, शायद आपने ना देखा हो, अब मैंने वेडियो में यूज़ किए हैं, ये इतना नया नहीं कि मंगोर ने अपडेट किए हैं। ये देखें ये रहा मंगोस की क्यूरी, ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने ये पहले यूज़ नहीं की, ये फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो देखें कि यूज़ किस तरह होगा, ये देखें आईडी ले रहा है, आईडी के बेस पर एक फील्ड अपडेट कर रहा है, सेम टू सेम हम भी इसी तरह करेंगे, ओके। पहले हमें आईडी की ज़रूरत थी, एक आईडी अंडरस्कोर आईडी जो मंगूडी भी के अंदर था, ठीक है, और आईडी ये वाला कौन सा आईडी आईडी में मैच कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे क्या क्या चीज़ चेंज करना है, नेम चेंज करना है, नेम और नेम के फील्ड का नाम है, ठीक है, डॉट बॉडी डॉट नेम, और नेम वो जो वाला ईजीएफ नेम है वही है, ठीक है। बैच भी सिमिलर प्रोसीजर है, ठीक है, यही पर हमारा स्टेटमेंट क्यूरी खत्म है, ठीक है। और फिर इसी तरह देन और कैच का तरीका अप्लाई करना है, मतलब सक्सेस के बाद क्या होना चाहिए और फेलियर के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। सक्सेस होना चाहिए, अगर सक्सेस होना चाहिए स्टूडेंट के राउट्स पे जाए, अगर फेल हो जाए तो एरर आ जाए, ठीक है। अरे चलो हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो गेट तो कर लिया, ये कर लिया मैं रिफ्रेश, ये देखें ये स्टूडेंट, ये हमने गलती से नाम डाल दिए, अभी हम कर लेंगे इसको अपडेट, ठीक है। अभी हम इसका नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है, नवादिल, ये देखें नाम हमने ये देखो चेंज कर लिया, राउट्स हमारा क्या कहाँ आ गया स्टूडेंट्स पे, लेकिन बैच हमने चेंज नहीं किया, ये देखें
क्रिएटेड और अपडेटेड डेट, ये देखें अपडेट का किस टाइम हुआ और क्रिएट किस टाइम हुआ, ये टोटल इंफॉर्मेशन फर्क है। ये देखो कहाँ कब हमने बनाया और कब हमने अपडेट कर लिया, लेकिन ये वाला देखें ये सेम टू सेम कर लें, सेम टाइम है, मतलब जिस टाइम पर क्रिएटेड हो गया तो उसी टाइम अपडेट हो गया। ठीक है, ये बेहतरीन एक फीचर है आप प्रोडक्ट में, ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, ये कुछ बेहतरीन कोड में दे देता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करें। ठीक है, बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर लूँगा, नेक्स्ट वीडियोस में आपको बेहतरीन तरीके सिखाऊंगा कि फाइल किस तरह मकसद अपलोड कर लेंगे। ठीक है, फाइल करने के लिए एक स्पेशल तरीका है किस तरह हम अपना फाइल्स अपलोड कर लेंगे, फ़ोटो जो है या कोई डेट ऑडियो या वीडियो मकसद किस तरह हम, अभी तो सिर्फ हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे लेकिन बाद में हम फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए हमारे चैनल को देखते रहें ताकि मज़ीद आपको नोटिस रिलेट कोई परमिशन हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए वेट कर लें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। ओके, तो अब तक के लिए लॉसेस।